क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मिल्क चिलिंग यूनिट्स यूनिट कैन रिमूव हीट फ्रॉम द मिल्क एट द रेट ऑफ 41.87 मेगा जूल पर आवर. हीट लीक्स इनटू द मिल्क फ्रॉम द सराउंडिंग एट द एवरेज रेट ऑफ 4.187 मेगा जूल पर आवर. फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग अ बैच ऑफ 500 केजी ऑफ मिल्क फ्रॉम 45 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस. टेक द सीपी कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ मिल्क टू बी 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन. क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज एक क्या है जो एक मिल्क का बैच है. सपोज हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि यह मिल्क का बैच है और इस मिल्क के बैच में एक मिल्क चिलिंग यूनिट है. मिल्क चिलिंग यूनिट कोई डिवाइस है जो कि इस जो मिल्क है यह मिल्क है जो कितना है यह मिल्क है जो हमको यह कितना 500 केजी का है और इसकी टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस है. ओके तो मुझे क्या करना है इसमें से इस 45 डिग्री सेल्सियस से एक चिलिंग जो मिल्क चिलिंग यूनिट है वह हीट रिमूव कर रहा है और इस 45 डिग्री सेल्सियस से इस मिल्क को इसके टेम्परेचर को मुझे डिक्रीज करना है. कहाँ तक 45 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ले जाना है. तो 45 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ले जाने में मुझे कितना हीट इससे निकलेगा. ओके कितना हीट निकलेगा वो मुझे फाइंड आउट करना. लेकिन मुझे कह रहा है कि जो 45 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस में जो हीट निकला वह हीट यहाँ से ले जाने में तो क्या कर रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर जो मिल्क तो वो मिल्क चिलिंग यूनिट जो है वह इस सिस्टम से जो मिल्क 45 डिग्री सेल्सियस पे उससे हीट निकाल रहा है कितना के रेट में. वह निकल रहा है मुझे 41 जो इससे निकाल रहा है क्यू इजकल टू 41.87 मेगा जूल पर हावर के रेट से निकाल रहा है. लेकिन इस मिल्क जो बैच है इसमें लीकेज होने के चलते इसमें हीट इंटर कर जा रहा है. जो हीट इंटर कर जा रहा है तो 4.187 मेगा जूल पर हावर के रेट में इसमें इंटर हीट जो था लीकेज हो जा रहा है उसमें लीक कर जा रहा है. तो मुझे कह रहा है कि मुझे कितना टाइम लगेगा इसे 45 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा तो वो मुझे फाइंड आउट करना है. सपोज क्या करना है कि मुझे क्यू निकालना है कि अगर 45 डिग्री सेल्सियस से मुझे कहाँ जाना है 5 डिग्री सेल्सियस जाने में कितना हीट निकलेगा. तो हम जानते हैं क्यू इजकल टू एम सी पी डेल्टा टी होता है. ओके सी पी जो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है और एम जो था मास ऑफ द मिल्क है एंड डेल्टा डिफरेंस इन टेम्परेचर. ओके मास कितना है 500 केजी है एंड सीपी जो था दिया है 4.187 है 4.187 एंड डेल्टा कितना है. देखिए अगर ये किसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी करें अगर इसका डिफरेंस हमेशा सेम होता है जिससे हम 45 तो फाइनल क्या हो गया फाइनल 5 माइनस 45 डिग्री. ओके तो क्यू इज इक्वल टू होता है 500 इंटू 4.187 इंटू तो माइनस 40 हुआ. जब ये क्यू को सॉल्व करेंगे माइनस कितना आएगा माइनस ये आ रहा है 83740 इतना ही. तो नेगेटिव साइन शो करता है कि सिस्टम से 45 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ले जाने में कितना उसे हीट इजेक्ट हुआ या सिस्टम से हीट निकलने का साइन से नेगेटिव साइन से इसको डिनोट की जाती है. और मुझे निकलना है कि सपोज ये सिस्टम है सिस्टम से जो है मानते इस सिस्टम से मुझे किस रेट से हीट निकल रहा है किस रेट से निकल नेट हीट सिस्टम से कितना निकल रहा है. देखिए सिस्टम से जो नेट हीट निकल रहा है वह कह रहा है 41.87 के रेट से वह इसमें इसे निकल रहा है लेकिन वह निकल उसमें चल जा रहा है तो कितना 4.187 उसमें इंटर कर जाए तो नेट हीट कितना उस सिस्टम से इजेक्ट हो रहा है तो उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी करना है. तो कितना हुआ तो 37.683 मेगा जूल पर हावर के रेट से इस सिस्टम से हीट निकाल रहा है. कौन निकाल रहा है वह मिल्क चिलिंग यूनिट निकाल रहा है क्योंकि उसमें हीट लीकेज भी कर रहा है ना तो हीट लीकेज कर रहा है तो इतना के रेट से निकाल रहा है ठीक है पर हावर.
तो देखिए मानते हैं 37.683 अगर इसको 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलो जूल हो जाएगा। क्या होता है 37.683 × 10^3 तो ये किलो जूल पर हावर हो गया। ओके तो इतना तो मानते इसको टी टाइम लग रहा है। देखिए इतना जो तो पर अगर मानते हैं कि यह जो तो पर सेकंड पर हावर हीट इतना निकल रहा है सिस्टम से जो है पर हावर इतना निकल रहा है और तो टी टाइम में वो कितना हीट निकाल रहा है टोटल हीट हमने अभी निकाले हैं तो 83740। देखिए क्या होता है कि तो ये जो हीट है कितना यह जो था नेट हीट जो था सिस्टम से निकला किस रेशियो में यह पर हावर निकल रहा है तो मुझे इससे कितने घंटा में इतना ही टोटल हीट निकलेगा। टोटल हीट की तो कर देंगे क्वेश्चन में टोटल हीट टी से मतलब टी हीट जो होता है टी टाइम में इतना हीट निकल रहा है टी टाइम में इतना तो कितना टाइम यह लगेगा ये टाइम जो होता है कितना टाइम लगेगा तो टी इक्वल टू होता है 83740 × 37.683 ओके × 10^3। जब मैम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगा 2.22 मीन्स यह हावर हो गया। देखिए क्या होता है तो 2 hour + 0.22 hour जब यह 2 hour हो गया इसको 0.22 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो यह मिनट में हो जाएगा तो टोटल हमारा आंसर कितना आएगा जो आंसर हमारा आएगा तो टू हावर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कितना आएगा 13 पॉइंट कुछ तो इसको 13 मिनट लगेगा 2 hour 13 मिनट ये लगेगा। ओके आंसर 2 hour 13 मिनट लगेगा।